ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों धर्म संस्कार पूजन चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बृहस्पति ग्रह के देव गुरु बृहस्पति ग्रह के बारे उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ ये उपाय करने से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा महादशा दशा की बुरी दृष्टि चल रही हो काम नहीं बन रहे हो अचानक किसी प्रकार की संकट आ रहे हो उसमें निराधार हो सकता है जब भी बृहस्पति ग्रह बिगड़ता है तो आदमी गलत आदतों में जाता है उसकी बुद्धि भी वैसा नहीं कर पाती है सोचने समझने की भी बात वैसी नहीं रहती है सारी मेहनत करने के बाद भी परिणाम उसको वैसा नहीं मिलता है और बुरी आदतों में जाता है या तो वो दारू इत्यादि पीता है या मांस मंद्रा इत्यादि पीता है उसका गलत आदत व गलत शो हो जाते हैं इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि गुरु बलवान करें जब तक हमारे गुरु बलवान नहीं होंगे उच्च के नहीं होंगे तब तक हमारे कार्य नहीं बनते हैं इस बात का विशेष ध्यान करिए और गुरु ही हमें जो है विद्या प्राप्ति देते हैं और हमारे कार्य को बनाते हैं इसीलिए गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अप, अपने लंबाई के बराबर का सूती धागा लेकर उसे हल्दी पाउडर और गंगा जल से भिगो कर, पीला करके गल केले के वृक्ष में आपको बांधना है और बृहस्पतिवार के दिन ही उपाय ये करना है और हल्दी पाउडर को चावल साबुत चावल को भिगो कर पीला करके वहाँ पर चढ़ाएं और देसी घी का दीपक जलाएं और धूप कर जो है वहाँ पर बृहस्पति मंत्र का जाप करें ओम बृहस्पति आय न ओम बृहस्पति आय नम एक बाई सो आठ बार आप मंत्र पढ़ें पहला उपाय यह है दूसरा उपाय आप गाय को पीली चलेगी दाल भिगो कर गुड़ के साथ रख कर रोटी पर के आप बृहस्पतिवार के दिन खिलाएँ इससे गुरु उच्च का होता है तीसरा जो है भगवान विष्णु के मंदिर में आप गुरुपक्ष नक्षत्र के दिन जाएँ जिस दिन गुरुपक्ष नक्षत्र का शुभ मुहूर्त चलता है उस दिन आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाएँ हल्दी सात गाढ़े सवा मीटर पीला कपड़ा अगर वो रेशमी होता है रेशम का जो होता है वो तो अच्छा होता है और नहीं तो फिर आप कॉटन का सूती भी ले सकते हैं उसके बाद आप उसमें पीली मिठाई पीले चावल यथाशक्ति दान गरीबों को याचकों को भी आप दान दे सकते हैं वहाँ आप ये आपको दान देना है और उसके चौथा उपाय ये है कि आप किसी ब्राह्मण से या खुद भी चाहें तो आप विष्णु सहस्त्र नाम सूत्र का आप पाठ कर सकते हैं या आप करवा सकते हैं उससे भी आपका गुरु बलवान और उच्च होगा पाँचवा उपाय बताने जा रहा हूँ बृहस्पतिवार के दिन सवा मीटर पीले कपड़े को उसमें चांदी का सिक्का चांदी का सिक्का न हो तो तांबे का सिक्का पाँच हल्दी के घाटें और सवा मुट्ठी पीले चावल हल्दी और गंगा से करे हुए साबुत वाले आप उस कपड़े में बांधें और भिगो कर रखें और फूल पीले फूल चढ़ावें सुगंध इत्र चढ़ावें इत्र के साथ अपने पूजा स्थल में जहाँ आप घर में मंदिर में या देवालय में या व्यापार स्थल में जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आप उसके सिक्के के साथ वहाँ पर रखें और नित्य पूजा करें और उसके बाद आप जो हैं बृहस्पति भगवान का जाप कर सकते हैं इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी और गुरु उच्च का होता है और बलवान होता है कार्य में सिद्धि मिलती है छठा उपाय अपने गुरुजनों को जो आप जो गुरुजन जो हैं वो किसी कारण वो रुष्ट जाते हैं रुष्ट जाने के बाद वो अपने जो है उनकी आपके ऊपर दशा नहीं रहती उनका आशीर्वाद नहीं रहता है तो अपने गुरुजन जो भी हो उनको यथाशक्ति आप अमावस के दिन या पूर्णिमा के दिन आप उनको जो है भोजन वस्त्र या दान दक्षिणा देवें और उन गुरुजनों का एक सौ आठ बार आप मन में उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने माता पिता को आप पैर पड़ के आशीर्वाद ले सकते हैं सातवां उपाय है मास के प्रत्येक पूर्णिमा को यथाशक्ति प्रसाद प्रसाद पूजन की सामग्री मंदिर जहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है वहाँ पर आप ले जाएं कथा पे इस दिन में अपने हाथों से ला लाकर दान करें और सत्यनारायण भगवान की, की आगे रखें और बोलें वहाँ पे प्रार्थना करें प्रभु तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा इस प्रकार आप जो है वहाँ पर ला लाकर रखें और प्रभु आगे शरणागत हो जाए फिर देखें गुरु बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति महाराज कैसे प्रसन्न होते हैं और कैसे आपके कार्य में वृद्धि करते हैं देखो कार्य करने के रास्ते अलग अलग होते हैं जिस प्रकार हर बीमारी का इलाज प्रत्येक प्रत्येक दवाइयों में मिलता है चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे वो अंग्रेजी एलोपैथिक हो चाहे वो आयुर्वेदिक हो लेकिन उस बीमारी का इलाज होता है इसी प्रकार से हर ग्रह का उपचार हर ग्रह का उपाय अलग अलग होता है आपको सिर्फ उन उपायों को करना है आपको देखें किस प्रकार से आपको फ़ायदा होता है और अपने आप कार्य बनता है और देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से ही हमारे सारे काम बनने लग जाते हैं इसलिए मैं आपको बताया है आगे मैं आपको अच्छी जानकारी देता रहूँगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा जय कृष्ण जय श्री कृष्णा दोस्तों राधे राधे